पटना में रुपेश सिंह हत्याकांड के बाद बिहार के कानून व्यवस्था पर एक बार फिर सवाल उठ रहे हैं। अपराधी अब तक पुलिस के गिरफ्त से बाहर हैं और सूबे के मुखिया नीतीश कुमार से लेकर डीजीपी एसके सिंघल तक हर कोई बस यही दावा कर रहा है कि सब कुछ बढ़िया है। नीतीश कुमार से बिहार में बढ़ते अपराध पर जब भी सवाल किए जाते हैं तो उनके पास सिर्फ एक ही जवाब होता है कि 2005 से पहले की स्थिति क्या थी। नीतीश कुमार 15 साल सरकार चलाने के बाद भी अपनी उपलब्धियां बताने से ज़्यादा ये साबित करने की कोशिश करते हैं कि उनसे पहले लालू राबड़ी शासनकाल में हालात बदतर थे। कुछ दिन पहले ही मीडिया के सवालों पर भड़के नीतीश कुमार ने दावा किया कि अपराध के मामले में बिहार देश में 23वां नंबर पर आता है, लेकिन NCRB का डाटा कहती है कि 2019 में देश भर में अपराधों में से 5.2% अपराध बिहार में दर्ज हुए। इस लिस्ट में उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, केरल, गुजरात, मध्य प्रदेश, दिल्ली और राजस्थान के बाद बिहार का ही नंबर आता है। यानी नीतीश कुमार का दावा झूठा साबित होता दिख रहा है। इतना ही नहीं, नीतीश कुमार हर बार ये दावा करते हैं कि लालू राबड़ी के शासनकाल के मुकाबले उनकी सरकार में अपराध कम हुआ है। हालांकि नीतीश कुमार के दावों के इतर बिहार पुलिस के आंकड़े कुछ और ही गवाही देते हैं। बिहार पुलिस की आधिकारिक वेबसाइट पर 2004 से लेकर 2019 तक नीतीश कुमार के आपराधिक आंकड़े मौजूद हैं। इन आंकड़ों के मुताबिक बिहार में लालू यादव की सरकार में आखिरी साल 2004 में अपराध के कुल 1,15,216 मामले दर्ज हुए, जबकि नीतीश कुमार में 15 साल में 2019 में अपराध के आंकड़े घटने के बजाय जैसे बढ़कर 2,69,096 हो गए, यानी दोगुने से भी ज़्यादा हो गए हैं। अपराध के बढ़ते आंकड़े पर पूर्व DGP गुप्तेश्वर पांडे ने बढ़ती जनसंख्या को भी जिम्मेदार ठहराया था। कुछ और लोग भी ये दलील दे रहे हैं कि अगर जनसंख्या बढ़ेगी तो अपराध की संख्या भी बढ़ेगी। अब ज़रा बिहार की जनसंख्या पर गौर करिए। 2001 की जनगणना के मुताबिक बिहार की कुल आबादी 8,28,78,796 थी, जो कि 2011 की जनगणना के मुताबिक 10,38,04,637 हो गई। अगली जनगणना 2021 में होनी है, लेकिन माना जाता है कि फिलहाल बिहार की आबादी 12 से 13 करोड़ के बीच है। यानी 2004 से 2019 के बीच बिहार की आबादी करीब 50% की दर से बढ़ी, लेकिन इस दौरान बिहार में अपराध 133% की दर से बढ़ रहे हैं। आंकड़े बता रहे हैं कि नीतीश कुमार में के सरकार में लालू यादव के शासनकाल के मुकाबले अपराध दोगुने से भी ज़्यादा बढ़े हैं, लेकिन नीतीश कुमार अपनी सरकार में बेहतर कानून व्यवस्था के दावे करते रहे हैं। यानी कुछ भी हो जाए, सुशासन बाबू अपना टैगलाइन नहीं भूलेंगे कि 2005 से पहले की स्थिति बदतर थी, भले आज की स्थिति पहले से दोगुना ज़्यादा बुरी हो चुकी है। न्यूज़ रूम से नदीम अहमद की रिपोर्ट। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates.